आज की इस बरकतों से भरी हुई रात के इस जलसे के सदर साहब और हमारे शहर के शहर इमाम साहब, मुस्लिम कमेटी के सदर कय्यूम रहमी साहब, मुस्लिम कमेटी से जुड़े हुए सभी जिम्मेदार अहदेदार, हमारे साथ इस मंच पर बैठे उलेमा और हमारे अमरोहा शहर और आसपास के सभी लोगों, वैसे तो आज की रात हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बोलने का वक्त थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी मैं इस रात की, क्योंकि बरकतों की रात है, ऐसी रात है कि जिस दिन हम अपने सभी गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं, ऐसी रात है कि अल्लाह ताला से अपने लिए इज्जत मांग सकते हैं, रिजक मांग सकते हैं, या कोई ऐसी हमारी तमन्ना हो वो मांग सकते हैं, अपने बड़े से बड़े गुनाह के लिए जो हमसे जाने अनजाने में हुए हों उनकी माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि हमारा अल्लाह माफ़ करने वाला है, तो हमसे जो गुनाह होते हैं जाने अनजाने में उन्हें वो माफ़ भी कर देगा। मैं आज के दिन से इतना सा कहूँगा कि क्योंकि रात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे सभी नौजवान साथियों से ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारा उस उम्र से ताल्लुक़ है, मैं गुजारिश भी करूँगा कि शहर में बहुत घूमने से ज़्यादा इबादत करें, अल्लाह से तौबा कर लें गुनाहों की, गलतियों की, उससे मांग लें, क्योंकि उसका दामन आपके लिए इतना बड़ा है कि कुछ भी आपको जो मांगोगे वो अता कर सकता है। हमें तो उलेमाओं को लगातार सुनते हुए ये भी पता, और क्योंकि सुनते हैं आप लोगों को सब साथ बैठे, कि कुछ ऐसे गुनाह हैं जिन्हें अल्लाह माफ़ नहीं करता, बाकी सबको माफ़ कर देता है आज की रात। तो मैं गुजारिश भी करूंगा अपने शहरवासियों से कि ऐसे गुनाह, चाहे माँ बाप की नाफरमानी हो, शिर्क हो, गीबत हो, इससे बच के रहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को हम अपने जीवन में देखते हैं कि बहुत से लोगों के बारे में वो ज़रा भी नहीं जानते, बहुत से लोगों के बारे में उन्हें ये भी नहीं पता कि वो आदमी किस कदर संघर्ष करता होगा, बहुत से लोगों के बारे में उन्हें ये नहीं पता कि वो अल्लाह के बताए रास्ते पर कितना चलता है, कितनी खिदमत करता होगा, उसके बाद भी कुछ लोग जाने अनजाने में कुछ भी कहते हैं, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं और गीबत हम लोगों के यहाँ बहुत बड़ा गुनाह है, और शायद इस गुनाह की माफ़ी नहीं है, उलेमा बेहतर जानते होंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे बहुत ज़्यादा बचना चाहिए हम लोगों को। वालिद साहब आज होते आपके बीच हमेशा हर साल की तरह, लेकिन क्योंकि चुनाव चल रहा है, वालिद साहब की भी कई जगह जिम्मेदारियाँ पार्टी की तरफ से हैं, वो चले गए, लेकिन आपको मुबारकबाद उनकी तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे परिवार, हमारे साथियों की तरफ से, क्योंकि आपने अभी एक बहुत बड़ा रिजल्ट तो आना बाकी है, लेकिन जिस तरह से इत्तेहाद का आप लोगों ने अभी मुजाहरा किया है, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। इसे बना के रखिएगा, आप जितना यूनाइट रहेंगे, अभी बोल रहे थे हमारे आने से पहले सरदार जी, मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं देखता हूँ कि मेरे वालिद महबूब अली साहब इस शहर के हर आदमी को अपना भाई बहन बच्चा समझते हैं, कोशिश करते हैं कि परिवार की तरह आप लोगों की हिफाजत और आप लोगों की हिमायत की जा सके। तो मैं तो आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने अभी 18 तारीख को इकट्ठा होकर अपने आप को साबित किया है, इकट्ठे रहिए, अगर आप इकट्ठे रहते हैं तो हम लोगों को हिम्मत और ताकत मिलती है, जब आप इकट्ठे होते हैं तो हमारे दुश्मनों की ताकतें कम होती हैं, जो असल में दुश्मन तो हमारे हैं, लेकिन वो सही मायने में आपके दुश्मन हैं। बहुत सारी चीज़ें 5 सालों में ऐसी भी हुई हैं, सब ने जाना है, खाने पहनने ओढ़ने चलने तलाक सब चीज़ों में लोगों ने कोशिश की कि आपके मज़हब में दाखिल, आपके मज़हब में इंटरफेयर कर सकें, वो आपकी ताकत है,
अल्लाह का करम हम लोगों पे है कि 5 साल जैसे तैसे कट गए और बहुत अच्छे दिन शायद अब अल्लाह से दुआ ये भी करिएगा आज की रात कि अल्लाह जो जालिम है उन्हें हमारे ऊपर से हटा दे और हमारे जो हमारी हिमायत करने वाले लोग हैं उन लोगों को हमारे यहाँ देश की कुर्सी पे ताकत दे दे, तो दुआ करिएगा। बाकी सब दीन से जुड़ी बातें उलेमा बताएंगे। दोबारा से मुबारकबाद और सब लोगों का शुक्रिया, मुस्लिम कमेटी का शुक्रिया कि हमें यहाँ बोलने का मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम।